जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको इंडिया की टॉप 10 स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 10, सेंट्रल एंड स्टेट आर्म्ड फोर्सेस। देश या राज्य में जब कभी भी कानून की व्यवस्था बिगड़ती है या फिर कोई दंगा या हिंसक प्रदर्शन होते हैं तो सबसे पहले सेंट्रल एंड स्टेट आर्म्ड फोर्सेस को ही बुलाया जाता है। यह वेल ट्रेंड होते हैं और साथ ही एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में भी भाग लेते हैं। नंबर 9, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG। इस स्पेशल फोर्स का गठन सन 1988 में भारतीय संसद की ओर से किया गया था। इनका प्रमुख काम प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करना होता है। राजीव गांधी की हत्या के बाद इसका गठन किया गया था। SPG अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। नंबर 8, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। वर्ष 1962 के युद्ध के दौरान चीनी आक्रमण से लोहा लेने के लिए इस स्पेशल फोर्स का गठन किया गया था, जिसका कार्य छिपे हुए दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करना था। इसका इस्तेमाल उग्रवाद के खिलाफ और स्पेशल ऑपरेशन के दौरान किया जाता है। ये फोर्स भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी यानी के रॉ के अंतर्गत आती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के ऑपरेशन इतने गुप्त होते हैं कि भारतीय सेना को भी इनके ऑपरेशन की जानकारी नहीं होती है। नंबर 7, कोबरा। कोबरा दुनिया की बेहतरीन पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है। इसका गठन सन 2008 में हुआ था। इन्हें विशेष गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है जिससे ये भेष बदलने और घात लगाकर हमला करने में माहिर होते हैं। मौजूदा समय में देश में करीब 10,000 एक्टिव कोबरा सोल्जर सर्विस में है। राष्ट्रपति समेत दिल्ली की सुरक्षा इन्हीं के जिम्मे होती है। साथ ही इन्हें नक्सलियों से लोहा लेने के लिए भेजा जाता है। कोबरा का पूरा नाम कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन होता है। इसका निर्माण नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हुआ था। इन्होंने देश में कई नक्सली समूहों का खात्मा किया है। ये देश की सबसे उन्नत पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है। नंबर 6, फोर्स 1। फोर्स 1 स्पेशल फोर्स का गठन वर्ष 2010 में हुआ था। देश को 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद इसकी जरूरत महसूस हुई। इस फोर्स का मुख्य कार्य मुंबई शहर को आतंकी हमलों से सुरक्षित रखना है। यह विश्व में सबसे तेज गति से सैन्य कार्रवाई करने में माहिर होती है। ये फोर्स हमले के 15 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचकर किसी भी स्थिति से मुकाबला कर सकती है। नंबर 5, NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG भारत की सबसे प्रमुख सिक्योरिटी फोर्स है। इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को रोकने और देश में आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसे आम भाषा में NSG या फिर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसकी स्थापना की गई थी। NSG कमांडो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। नंबर 4, घातक फोर्स। घातक फोर्स भारतीय सेना की स्पेशल कंपनी है जो मैन टू मैन असोल्ट के वक्त बटालियन के आगे चलती है। ये दुश्मन के तोपखाने पर हमला करने में माहिर होते हैं। इन्हें दुश्मन के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़नी होती है। घातक फोर्स के जवान इतने ताकतवर होते हैं कि एक एक जवान भी कई लोगों पर भारी पड़ सकते हैं। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव घातक फोर्स का हिस्सा थे, जिन्होंने कारगिल की टाइगर हिल्स पर पाकिस्तान के खिलाफ अपने सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया था। नंबर 3, गरुड़ कमांडोज। गरुड़ कमांडोज भारतीय वायुसेना का हिस्सा होते हैं। इनका गठन वर्ष 2004 में हुआ था। भारतीय स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग में ये सबसे कठिन और सबसे लंबी ट्रेनिंग होती है, जो कि 3 वर्ष की होती है। ये भारतीय सेना की सबसे युवा स्पेशल फोर्स है। मौजूदा समय में करीब 1500 गरुड़ कमांडोज देश की सुरक्षा में तैनात हैं। इनकी जिम्मेदारी देश की वायु सैन्य बेस की सुरक्षा करना होता है। गरुड़ कमांडोज आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं और इस फोर्स को हवाई क्षेत्र पर हमला करने, हवाई अतिक्रमण करने, स्पेशल कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। नंबर 2, पैरा कमांडोज। भारतीय पैरा कमांडोज भारतीय सेना की सबसे ज्यादा ट्रेंड स्पेशल फोर्स है। इसका गठन सन 1966 में हुआ था। वर्ष 1971 और 1999 कारगिल युद्ध के दौरान इन्हीं पैरा कमांडोज ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। पैरा कमांडोज भारतीय वायुसेना के पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं, जो कि स्पेशल फोर्स के अंतर्गत आते हैं। पैराशूट यूनिट भारतीय वायुसेना की सबसे पुरानी हवाई यूनिट है। पैराशूट यूनिट का कार्य दुश्मन के इलाके में धीरे से लैंड करना और दुश्मन की पहली रक्षा पंक्ति को ध्वस्त करना होता है। वर्ष 1971 की भारत पाक जंग में 700 पैरा कमांडोज ने लड़ाई का रुख बदल दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भी इनका उपयोग किया गया था। नंबर 1, मार्कोस कमांडोज। वर्ष 1987 में इंडियन स्पेशल मरीन फोर्स का गठन किया गया था। 2 साल बाद इसका नाम बदलकर मरीन कमांडोज फोर्स कर दिया गया। मार्कोस यानी कि मरीन कमांडो एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जो भारतीय जल सेना के अंतर्गत कार्य करती है। मार्कोस को हर तरह के आतंकी हमलों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। US नेवी सील के बाद ये विश्व की दूसरी सबसे घातक स्पेशल फोर्स है।
जो पूरे हथियारों के साथ पानी में भी दुश्मन का मुकाबला कर सकती है। यह इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स होती है। तो दोस्तों, यह है भारत की 10 सबसे पावरफुल स्पेशल फोर्सेस। देश के इन सभी वीर शेरों को जो अपने देश और हमारी रक्षा के लिए अपने परिवार और अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं, हमारी तरफ से इन सभी को शत शत नमन। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इस चैनल पर फ्यूचर में इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।